she wore something which for the first time I didn't like, so I told her please change it earlier. मैंने change करके life. Life is good now. Okay, सरगुन से तो सभी पूछ रहे हैं कि उन्होंने रवि को क्या गिफ्ट दिया है. मैं ये पूछना चाहती हूँ आपने क्या रिटर्न गिफ्ट दिया है सरगुन को. ओह या आई डिडंट नो दैट थैंक यू. नहीं वो उन जिम्मेदारियों में पड़ता नहीं. वाह मैं इन सब चीज़ों में थैंक यू. आपकी सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रही है. नहीं हो रही है. पहले भी हो ही रही थी तो कैसा लग रहा है इतना आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे. जितना आप सेलिब्रेट करते हैं इट्स जस्ट गोज टू से दैट यू हैव अ लॉट ऑफ लव इन योर लाइफ फ्रॉम पीपल एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है और वो कोई मौका नहीं छोड़ते उसको जताने का भी. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी फॉर्चुनेट इन दैट रिगार्ड. सो अ लॉन्ग सेलिब्रेशन बेसिकली जस्ट मीन्स दैट. सो और सबसे अच्छी बात यह है कि द होल फैमिली इज़ हियर टुगेदर बहुत सालों के बाद में. तो बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं. विल गेट टू सी ऑल ऑफ देम. इसके साथ तो डेफिनेटली बहुत यादें हैं बिकॉज ये मेरे भाई की जगह है. सरगुन का कज़न है लेकिन मेरे भाई जैसा है. सो सो इट्स लाइक अ फैमिली प्लेस एंड 1400 स्टोरी. रवि का बर्थडे है मेरे लिए सबसे स्पेशल डे है. अब मेरे बर्थडे से भी ज़्यादा स्ट्रेस मुझे इसके बर्थडे का होता है. इट्स द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड द मोस्ट फन डे फॉर मी एंड द पार्टी इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एंड आई होप इट रॉक्स. क्या हम इतना प्लान नहीं करते पता है. अब हम पहले बहुत प्लानिंग करते थे. अब हम प्लान नहीं करते. अब हम बस दोस्तों को बुलाते हैं और मैं अपने भाई को फोन करें हम पार्टी करें भाई सब कुछ कर दे एंड ही डज एवरीथिंग. ही डज एवरीथिंग. सो आई डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द पार्टी. एवरीथिंग वी हैव नो क्लू. सो वो हमारे लिए भी गेटिंग इनटू इट. चिराग डज एवरीथिंग. अच्छा लगा गिफ्ट्स मिलना. किसे अच्छा नहीं लगता. आई लव गिफ्ट्स. आई लव गिफ्ट्स. मुझे तो ही लव गिफ्ट्स. अगर मैंने एक्चुअली दो चार डब्बे क्रिसमस ट्री के बाहर ना नीचे खाली भी रखे हुए हैं और पैक करके तो ये उन्हें भी खोलना चाहता था. पता है खाली है पर फिर भी खोल रहे हैं क्योंकि गिफ्ट खोलने अच्छे लगते हैं. आपको खुद ही सांता गिफ्ट और ये मॉम के लिए क्रिसमस डे के दिन आप 23rd 23rd आई वाज बोर्न 23rd बट आसपास. सो आई एम नॉट रियली बैड इन दैट रिगार्ड. He is Santa. My dad is also Santa. My dad is 25th of December and I'm 23rd and he's December. As close. So I was like, hey, I have two Santas in my life. So Christmas or New Year ki baat ki jaye to aur aage kya celebrate karne wale New Year ke liye? New Year we may be stepping out. Dekhte hain Sargun to shoot kar rahi hai. Ab wahi thoda wo ek conflict chal raha hai ki main ja paunga Punjab ya nahi ja paunga ya kahin aur jaunga. So all of that is going on. Let's see. Aapka 2016 year kaisa gaya? Zabardast. Bahut acha. I don't plan. I let things happen. ये गाना नहीं. ओए तेरा बर्थडे आया. ओए तेरा बर्थडे आया. I don't know. छोटी तेरा बर्थडे आया. I don't know what that is. नाच पजामा नन नन नन. ओए तेरा बर्थडे आया. अच्छा पूरा गाना मत सुनाओ बेटा फिर. साल पर साल और जवान होते जा रहे हैं और शरीफ होते जा रहे हैं. तो मैंने कहा जवानी का जवान होने का तो इशू नहीं है पर आप साल पर साल इतने शरीफ क्यों होते हैं. मैं शरीफ नहीं हूँ. किसने कहा कि मैं शरीफ. मैं जो शरीफ क्या हुआ है दुनिया पर क्या. तो देखो तुम शरीफ ही थे. दुनिया दुनिया बदमाश रह गई. अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम शरीफ हो गए क्योंकि मैं दुनिया को बताना नहीं चाहता ना. कई कहानियाँ जो कई कहानियाँ जो सिर्फ तुम जानते हो जो सिर्फ इम्पीरियल हाइट्स में बोली जाती मैं बोली जाती है. तो भाई कुछ तुम अमूल दूध हो क्या. बिन बोले सब बोले. नहीं नहीं बट बहुत आई थिंक आई हैव नोन हिम फॉर इयर्स नाउ एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दैट इट्स वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक हिम एंड आई एम नॉट सेइंग क्योंकि ये यहाँ है. मैं अगर इसका 10% भी बन जाऊँ ना व्हेन इट्स रिलेटेड टू सरगुन
when it's related to work or it's related to other women. So I will officially be the heartthrob of the world. So I think happy birthday, have a great year. अगले साल भी हम 1400 स्टोरी में ही मिलेंगे क्योंकि अपना रेस्टोरेंट अगले साल नई जगह खुल जाएगी। नहीं नहीं, अगले साल हम नई जगह खोलेंगे लेकिन उधर हम उधर भी पार्टी करेंगे और इधर भी पार्टी करेंगे क्योंकि जब अपनी जगह हो तो भाई पार्टी करना तो बनता है और प्रमोट करना भी बनता है। अगर पार्टी करना तो बनता है तो संता कौन है? इसलिए इंडियन आइडल मैं कर रहा हूँ और ये नहीं। कोई बात है ना, जब एक्सक्लूसिविटी के 25 लाख रुपए मिलते हो एक चैनल से, और क्या बताना चाहते हो तो आदमी सोनी पे क्यों काम करेगा? नहीं, बट हैप्पी बर्थडे, एंड मैं बिना सवाल पूछे इनके फैंस को और अपने फैंस को और आप सबके फैंस को न्यू ईयर की बहुत बहुत विशेष देना चाहता हूँ। हैव अ ग्रेट न्यू ईयर गाइज, हैप्पी न्यू ईयर, प्लीज ड्रिंक but don't drive because Ravi, this is coca cola, this is no alcohol. I was just talking about drink, I'm not saying this drink. Is not alcohol, it's coca cola. Alcohol nahi hai. Are you a brand ambassador of coca cola? No. Then you should say cola. Okay, this is cola, this is cola, it's this is cola. So thank you this so much cola. Guys. This is cola. Thank you so much guys, happy birthday Ravi once again. Thank you very much and have a great year guys, happy new year. I love this guy, I really love this guy. Let's begin. मैं बहुत कंफ्यूज, हमारे सेट पे दो ही कैमरा होते, इतने बहुत दिन बाद देखे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर कोई आपका दोस्त है आप उनको क्या विश करना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंकफुली जितने आसपास के लोगों को मैं देखती हूँ वो ऑलरेडी इतने ब्लेस्ड हैं, उनके पास इतना कुछ है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए कोई ऐसी विश करेंगे, कुछ ऐसा तोहफा देने का सोचेंगे जो उनके पास नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक चीज़ है जो आप कितनी भी लोगों को देते रहे बट इट्स स्टिल ऑलवेज वेलकम इज गुड विशेस, हैप्पीनेस। तो उम्मीद करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा बहुत सारी खुशियाँ आएँ, वो हमेशा बहुत खुश रहें, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी बीवी बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सब। सो दे आर फैंटास्टिक कपल एंड ऑल आई कैन विश देम इज़ हैप्पीनेस। मेरा न्यू ईयर का प्लान ये है कि मैं बहुत सारा खाना खाऊं, मुझे जिम ना जाना पड़े और मेरा वज़न ना बढ़े और मैं हर रोज़ दो पेस्ट्री खा सकूं, लेकिन मेरा प्लान कभी कामयाब नहीं होता। तो इंस्टेंट मैं घर बैठ के टीवी देखूंगी और मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी और मैं फर्स्ट की सुबह को जिम जाऊंगी। जस्ट लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मे द न्यू ईयर बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर पिछले साल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने चाही थी कि आप अचीव करना चाहें और नहीं कर पाए, तो आई एम होपिंग दैट दिस ईयर दे जस्ट फॉल इनटू योर लैप एंड योर लाइफ इज एक्सट्रीमली हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बीच में आ गया भाई, ये मेरे सबसे चहीते बॉय है इस इंडस्ट्री के। आई वाज जस्ट टेलिंग देम एंड यू डिजर्व ऑल द पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड बिकॉज रवि इज नॉट ओनली अ गुड एक्टर, नॉट ओनली अ टैलेंटेड गाय, बट ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाट मेक्स हिम वेरी स्पेशल। थैंक यू बाबू, एंड ही नोज दैट, शी इज माय फेवरेट एंड शी नोज दैट।
दोनों ही इतने वाइब्रेंट और बबली रहते हैं, तुम मुझे सरगुन की बहुत याद दिलाते हो. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फॉर मी व्हाट मैटर्स इज अ मैन्स कैरेक्टर, एंड रवि इज अ परफेक्ट गाय, इज अ परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट हस्बैंड, बिकॉज ही हैज अ ब्यूटीफुल माइंड एंड सोल. ही नोज हाउ मच आई लव हिम. हैप्पी बर्थडे बेबी, दिस इज फॉर यू. आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट माय नेम. This is from my side. Thank you so much. Thank God मैंने आपको यही दे दिया क्योंकि मैंने नाम नहीं लिखा. नहीं नहीं यार, कोई नहीं. नाम क्या है? देखा मैंने personally उनको विश कर दिया. Because they've all been asking me one by one. Can we go and party? Yeah, let's go and party. Come on, let's go. अब मैं जाऊँ birthday boy के साथ.